हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी सुमो गोल्ड और इस सुमो गोल्ड की रनिंग बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे इंजन ऑयल काफी पहले बदल देना चाहिए था, लेकिन कुछ पार्ट्स मैंने मंगा रखे थे वो अभी तक डिलीवर नहीं हुए मुझे, इस वजह से ये सर्विस हो गई लेट। तो आज ये लेट वाली सर्विस है और अर्जेंट वाली भी सर्विस है, क्योंकि उस पार्ट का मैंने वेट नहीं किया, सर्विस स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले तो देखिए, इंजन ऑयल है मेरे पास मोबिल का, ऑयल फिल्टर टाटा जेन्युइन, बॉश का है ये फ्यूल फिल्टर, और टीवीएस डेल्फी का एक फ्यूल फिल्टर और, क्योंकि इसके अंदर दो फ्यूल फिल्टर आते हैं अलग अलग टाइप के, उसका भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमको जो काम करना होता है, इंजन की जान, वो है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल को सबसे पहले ड्रेन करेंगे, और मुझे जो फिक्र हो रही थी इंजन ऑयल की हो रही थी कि इंजन ऑयल किसी तरह चेंज हो जाए, बाकी चीजें तो फिर मैं देखता रहूंगा। चलेंगे गाड़ी के नीचे। ये है मेरा एक खाली टब, और इसको हमें खोलना है। ड्रेन नट, ये आ गया जी, थोड़ा सा आगे कर दूंगा। तो अभी देखो इंजन ऑयल जो है अच्छा खासा काला हो चुका है। अभी जब मैंने गाड़ी ली थी तब से अभी तक सर्विस नहीं की इसकी, और उनका ये कहना था कि मैंने अभी सर्विस कराई है, लेकिन हम उनके कहने पे तो नहीं चल सकते। हमें अपने हिसाब से जो अपने काम है वो सारे कंप्लीट करने। कई सारे काम मैंने इसके और भी किए थे, हो सकता है वो सारी चीजें आपने पहले भी देखी हो, जिसमें से कि रेडिएटर फ्लश था, ब्रेक फ्लशिंग थी, क्लच फ्लशिंग थी, मतलब कई सारी चीजें मैंने की थी। बाकी फ्रंट व्हील का भी काम किया था मैंने, बेयरिंग्स वगैरह, नीचे शाफ्ट, सारी चीजें तो हो गई थी, लेकिन मेन रह गया था इंजन। तो आज इंजन का ये काम भी हो जाएगा। इंजन ऑयल ड्रेन कर रहा हूं मैं, और यहां पे डालूंगा नया इंजन ऑयल। फ्यूल फिल्टर मैं आपको बता रहा था, दो तरह के फ्यूल फिल्टर इसमें आते हैं। ये एक फ्यूल फिल्टर ये है, इसके अंदर एलिमेंट पड़ेगा जो मैंने आपको बॉश वाला दिखाया। दूसरा फ्यूल फिल्टर ये है, ये कंप्लीट बॉडी शेल के साथ एक साथ कंप्लीट चेंज होगा। ये फिल्टर थोड़ा सा लेट भी चेंज होता है, एवरी सर्विस पे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं इसको अभी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आके ये कब चेंज हुआ था कब नहीं हुआ था। और दूसरी चीज आती है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को निकाल के मैं एक बार क्लीन कर चुका हूँ, और चेंज करने के लिए मैंने इसका ऑर्डर लगाया हुआ है, अभी तक मेरे पास इसका एयर फिल्टर रिसीव नहीं हुआ। लेकिन एयर फिल्टर मैं बाद में भी कर लूंगा, कम से कम ये चीजें तो मैं कर दूं इस एयर फिल्टर के चक्कर में, बाकी चीजों को डिले ना करूं। जितनी देर में इंजन ऑयल हमारा ड्रेन हो रहा है, उतनी देर में मुझे ये काम करना होगा कि ये जो फ्यूल फिल्टर है ये दोनों निकालने होंगे, इसके अंदर का एलिमेंट और ये पूरा फिल्टर। तो एक बार मैं इसको खोल के फिर दिखाता हूँ आपको। अभी ये ऑयल ड्रेन हो रहा है, देखिए धीरे धीरे आ रहा है, और अभी इसको होने देंगे ड्रेन जब तक कि कम्प्लीटली ड्रेन ना हो जाए। अब यहाँ पे इसका लगा होता है इसका ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर भी हमको खोलना है। तो ऑयल फिल्टर खोलने के लिए मेरे पास है ये स्पेशल टूल। हाँ, अब ये दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं तभी खुलेगा सही से। अब मैं इसको हाथ से खोल पाऊंगा, आप देखिए ये आ गया। अब यहाँ से भी ऑयल गिरेगा जरूर, तो जब ऑयल गिरेगा तो मैं इसको यहाँ कर दूंगा इस तरह से, ताकि वहाँ का भी ऑयल कवर हो जाए और ये वाला भी आ गया। आ गया ऑयल, ये आ गया जी, पूरा हाथ भी ऐसे ही हो गए। चलिए ग्लव्स थे, फिलहाल ये मैंने ऑयल फिल्टर निकाल दिया। अभी देखिए ये है इसकी फ्यूल फिल्टर की लोकेशन, फ्यूल फिल्टर दोनों मैंने खोल दिए। खोलने के लिए सिंपल 10 mm के बोल्ट होते हैं, यहाँ पे दोनों खोले, पाइप यहाँ से निकाल दिए और इसका कनेक्शन यहाँ से निकाल दिया, ये फ्यूल फिल्टर आ गया बाहर। और ये भी पूरा खोल दिया मैंने, और इसके नीचे वाटर इन फ्यूल का ये सेंसर है ये भी हटा दिया। तो ये भी आ गया जी हमारा फिल्टर बाहर, करेक्ट, दोनों फिल्टर बाहर आ गए। अब दोनों फिल्टर चेंज होंगे। अब ये वाला जो फिल्टर है ये तो कम्प्लीट बॉडी के साथ आता है, ये फिट हो जाएगा कुछ ऐसे यहाँ पे, और ये वाला जो फिल्टर है ये है इसका एलिमेंट। एलिमेंट इसके अंदर खोल के फिट करना होगा, तो एक बार मैं इसको खोलता हूँ और फिर एलिमेंट फिट करता हूँ। अभी देखो मैंने इसका क्या किया, 4 वोल्ट यहाँ से निकाल दिए, सिंपल हमारा फिल्टर बाहर, और फिल्टर की कंडीशन देख रहे हैं आप, मतलब बिल्कुल इसको चेंज होना बहुत ज़रूरी था, और कब से चेंज नहीं हुआ कुछ नहीं कह सकते। अंदर दिखाता हूँ आपको, ये देखो दिख रहे हैं अंदर, अंदर रस्ट के पार्टिकल्स हैं पूरे। तो पहले इस फिल्टर को क्लीन कर लेता हूँ, और फिल्टर को क्लीन करने के बाद सिंपल ये इसका एलिमेंट चेंज करूंगा। तो देखा आपने, फिल्टर की जरूरत थी इसको, अगर ऊपर से हम देखते हैं तो कुछ पता नहीं चलता, गाड़ी नहीं कहती कि साहब हमको जरूरत है, लेकिन ये देखो आप कंडीशन ये बता रही है कि फिल्टर की इसको सख्त जरूरत थी इस समय। बॉडी को मैंने अंदर बाहर से बढ़िया से अच्छे से क्लीन कर दिया, और क्लीन करने के बाद फिल्टर निकाल दिया मैंने पुराना वाला, और ये नया वाला एलिमेंट लगा के, और ये ओरिंग भी चढ़ा दिया। अब हमारा काम है सिंपल इसको फिट कर देना, अब इसके बोल्ट टाइट करके, और इसको करते हैं कंप्लीट गाड़ी के अंदर। अभी देखिए मैंने दोनों फिल्टर चेंज कर दिए, अब सिर्फ कनेक्शन करने हैं हमको पाइप के। पहला कनेक्शन ये आएगा हमारा इसमें, वहाँ से फ्यूल आएगा पहले यहाँ। दूसरा कनेक्शन ये आ गया, ये जाएगा हमारे हाई प्रेशर पंप को,
ये आ गया, तीसरा ये एक रिटर्न हो गया, इसका नोजल ही छोटा होगा, पहचानने में आ जाएगा अलग से। और ये एक सबसे छोटा रिटर्न ये आ गया हमारा जी यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे इस वाले फ्यूल फिल्टर में, ये कनेक्ट कंप्लीट, सारा सिस्टम कंप्लीट। अब बारी है क्या, इसमें हमको फ्यूल भी चढ़ाना पड़ेगा। फ्यूल चढ़ाने के लिए यहाँ पे होता है एक पंप, थोड़ी देर ऐसे ऐसे पंप करेंगे फ्यूल आ जाएगा। इसके अंदर एक वॉल्व लगा होता है, धीरे धीरे ये फ्यूल को चढ़ाता रहेगा, आपको ऐसे ऐसे पंप करना होता है ये, और जब ये हार्ड हो जाए तो समझ लीजिए काम हो गया। और इसको थोड़ा सा इग्निशन लगा देंगे तब भी आ जाता है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले इसको इग्निशन लगाएंगे, यहाँ पे आएगा और फिर इससे चढ़ा देंगे। तो मतलब फ्यूल फिल्टर का हमारा काम कंप्लीट हो गया। और अब नीचे बारी आती है हमारी ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर ये है जी, ये हमने लिख लिया है टाटा जेन्युइन, और ये सुमो गोल्ड सफारी दोनों में एक ही आता है, देखो इसके ऊपर सफारी लिख के रखा हुआ इन्होंने, लेकिन है ये टाटा जेन्युइन। अभी फिल्टर को इंस्टॉल करते हैं। फिल्टर इंस्टॉल करने से पहले ये जो आपको गैस्केट दिख रहा है, इस गैस्केट पे थोड़ा सा इंजन ऑयल लगा लेंगे, नया या पुराना जो भी चाहें, मतलब लुब्रिकेशन के लिए इस पे ऑयल लगा लेंगे, और ऑयल लगा के अंदर फिट करते हैं। ये यहाँ से दिख पाएगा, बस यहाँ पे कैमरा पकड़ना और दिखाना बड़ा मुश्किल है, मैंने इसको थ्रेड मिला लिए, और थ्रेड कभी भी ऐसे फ्री चलने चाहिए, देख रहे हैं जैसे फ्री है ना, बस इस तरह से फ्री चलने चाहिए। और इसके बाद ये टच होने लगा, इसका मतलब आप समझ लीजिए अब जो रबर का गैस्केट है वो टच होने लगा। अब आपको इसको घुमाना है एक राउंड, ये लगभग 3/4 घुमाने में इसका काम हो जाता है, ये बस हैंड टाइटी करेंगे इसको। तो अभी टाइम में हमको ड्रेन नट लगा देने का, तो पहले हम इसको कर लेंगे क्लीन, और क्लीन करने के बाद फिर इसको हम फिट कर देंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे, इसके बाद टाइम आएगा हमारा इंजन ऑयल डालने का इस गाड़ी के अंदर। तो अभी फ्यूल फिल्टर दोनों चेंज कर दिए, ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया, इंजन ऑयल चेंज कर दिया, ड्रेन नट लगा दिया हमने, एयर फिल्टर बाकी रह गया। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि एयर फिल्टर अभी ऑर्डर पे लगाया मैंने, आएगा तब चेंज करूंगा। वैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने इसको क्लीन किया था, तो क्लीन करके मैंने उसको लगा दिया। और इंजन ऑयल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मोबिल का 15W40। तो लेकिन इसकी क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी 7.5 लीटर की है, मुझे यहाँ पे सिर्फ 5.5 लीटर चाहिए, तो इसमें से बाकी मैं इंजन ऑयल बचा लूंगा। अब इंजन ऑयल डालने से पहले थोड़ा सा ये एरिया साफ कर लूंगा, कैप साफ कर लूंगा, कोई बात नहीं आ गया। थोड़ा सा बाल्टी से डालना मुश्किल होता है, अब मुझे यहाँ पे डालना है सिर्फ 5.5 लीटर, क्योंकि ये बाल्टी 7.5 लीटर की है, और मेरे पैर पे एक मच्छर काट रहा है बहुत तेज, कोई बात नहीं मच्छर काट लो तुम, आज दिन है तुम्हारे। एक आइडिया से मैंने डाल दिया, थोड़ा बचा लिया। अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर बाद इंजन ऑयल का लेवल चेक करूँगा, और चेक करके फिर इसको पूरा करूँगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिखने का तो है नहीं। तो ठीक है, पहले मैं इसका इंजन ऑयल चेक करके, और बाकी मैं एक बार इसको कंप्लीट कर लूँगा, कंप्लीट करके फिर गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। एक बार लेवल चेक ही कर लेता हूँ पहले। क्या बात, बिल्कुल परफेक्ट, मतलब बस थोड़ा सा नीचे डाउन रह गया है, मेरे ख्याल से अभी वो आ जाएगा। 100-200 ग्राम और इंजन ऑयल डाल देता हूँ बस, बाकी चीज़ें तो कंप्लीट है, लगभग एक आइडिया सही था मेरा। अभी गाड़ी को स्टार्ट कर लूँगा मैं, और स्टार्ट करने के बाद अब जो टॉप अप होगा मॉर्निंग में। मॉर्निंग में क्यों, क्योंकि मॉर्निंग तक बिल्कुल अपना एक्यूरेट लेवल पर आ चुका होगा। गाड़ी को एक प्लेन प्लेटफॉर्म पर खड़ा करूँगा, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, बाकी चीज़ें कंप्लीट। मैंने इसका बाकी काम अभी बिल्कुल हाल में ही किया है, पहिए हो गए, कूलेंट हो गया, ब्रेक सिस्टम, मतलब सारी चीज़ें की हैं, सिर्फ छोड़ रखा है मैंने क्या, स्टेयरिंग सिस्टम, स्टेयरिंग का मुझे पूरा फ्लश करना है, ये बाकी है, इस वजह से मैं इसको टॉप अप नहीं कर रहा हूँ। इसका लेवल अभी मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर है, तो लगभग चल जाएगा। जब मैं इसको पूरा फ्लश करूंगा तो फिर नया ऑयल भरूंगा, इसके लिए मैंने इसको छोड़ा। बाकी सारी चीज़ें मैंने एक एक करके कंप्लीट कर ली, एयर फिल्टर जब आएगा तो लग जाएगा, फिलहाल क्लीन करके लगाया हुआ है। अब गाड़ी को स्टार्ट करना है, पहले लगाते हैं इग्निशन। और स्टार्ट करने से पहले ये देख लीजिए, जब इसका फ्यूल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब फ्यूल चढ़ जाएगा, तो इसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी, ये आवाज़ आ रही ना वॉल के हिलने की, आपको ऐसा खुद से महसूस होगा कि हाँ फ्यूल यहाँ तक पूरा कंप्लीट चढ़ चुका है। और जब फ्यूल चढ़ जाए और फिर इस गाड़ी को कर देंगे हम स्टार्ट। तो अभी गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई,
और जो सर्विस थी हमारी वो कंप्लीट हो गई, जो अर्जेंट सर्विस थी। मुझे सबसे ज़्यादा डर ये था कि इंजन ऑयल पुराना हो रहा है, पुराने इंजन ऑयल पे इंजन चलता रहे तो इंजन की लाइफ एक तरह से कम होती रहती है। तो मैंने अपना जो काम था वो कर दिया कि आगे का तो गाड़ी के ऊपर है, गाड़ी कैसा परफॉर्म करती, बाकी हम उसका अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे तो गाड़ी भी अच्छा ही परफॉर्म करेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और कुछ मन में अगर इससे रिलेटेड सवाल आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।